हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम इन, ऐट और ऑन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं इन, ऑन और ऐट में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इन से। अगर मैं इन की बात करूँ कि हम इन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, सबसे पहले कहाँ, इनक्लोज्ड स्पेस। अब ये इनक्लोज्ड स्पेस क्या होता है, मान लीजिए कि कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो जो कि इनक्लोज्ड हो, पैक्ड टाइप हो। जैसे मान लीजिए कोई रूम की बात, अगर कोई इंसान अगर किसी रूम के अंदर हो, ठीक है, अगर ये कोई पर्सन किसी रूम के अंदर हो तो क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे हम इन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बोल सकती हूँ आई एम इन द रूम, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वी आर सिटिंग इन द क्लास रूम। अभी क्लासरूम क्या है, इनक्लोज्ड स्पेस है ना, तो वहाँ पे हम काय का यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे, क्लियर है। दूसरा देखते हैं, किसी बिगर प्लेस के लिए भी हम किसका, इन का यूज़ करते हैं। अब ये बिगर प्लेस क्या हो गया, जैसे कोई सिटी, अगर किसी सिटी की बात करें हम, तब हम वहाँ पे इन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम कोई कॉलोनी या कोई छोटा एरिया बता रहे हैं, तब हम वहाँ पे ऐट का यूज़ करेंगे। जैसे बिगर प्लेस के लिए क्या एग्जांपल, जैसे आई लिव इन दिल्ली, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक बिगर प्लेस के लिए भी हम इन का यूज़ करेंगे, क्लियर है। बात करते हैं हम किसी टाइम की, टाइम की अगर बात करें जैसे, तो अगर ईयर दिया हो या कोई मंथ हो, या बोल सकते हैं सीजन या डिकेड्स, तब भी हम वहाँ पे किसका, इन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ये बोलना हो, मुझे ये बोलना हो द येलो रोजेस विल ब्लूम इन अप्रैल। अप्रैल यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंथ हो जाएगा, है ना, अप्रैल, द येलो रोजेस विल ब्लूम इन अप्रैल, ठीक है। तो अप्रैल एक क्या है, यहाँ पे मंथ है ना, तो मंथ के लिए भी हम क्या का यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे, क्लियर है इतना। अगर ईयर भी दिया होगा तब भी हम इन का यूज़ करेंगे, अगर कोई सीजन वगैरह के लिए भी हम इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। बात करते हैं हम, मान लीजिए आपको कोई टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, गिवन टाइम स्टैम्प के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे वी रिल्ड इन द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, ठीक है। टाइम स्टैम्प के लिए भी हम काय का यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, क्लियर है आपको इतना। एक और चीज, अगर मॉर्निंग या इवनिंग इस टाइप से दिया हो, तब भी हम वहां पे किसका यूज करेंगे, मॉर्निंग या इवनिंग के साथ भी हम किसका, इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन किस केस में, अगर मॉर्निंग या इवनिंग के साथ अगर लेकिन डेट या टाइम ऐड हो जाए, तब हम वहाँ पे इन का यूज़ नहीं करेंगे, हम तब वहाँ पे काय का यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। के साथ कोई डेट या टाइम अगर ऐड हो जाए, तब हम वहाँ पर इन का यूज़ नहीं करेंगे, तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। आगे देखेंगे हम, जैसे मान लीजिए ऑन संडे मॉर्निंग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ भी हम इनका यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मॉर्निंग और इवनिंग के साथ अगर कोई डे ऐड हो जाए, तब हम वहाँ पे क्या, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ, तब हम वहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी अगर मुझे सिंपली बोलना हो, तो मैं बोल सकती हूँ इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग, लेकिन अगर मुझे ये बोलना हो कि संडे मॉर्निंग, तब हम वहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे, ना कि इन का यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये, ऑन संडे मॉर्निंग, क्लियर है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से इनको, इनका यूज़ करते हैं हम जब कोई इनक्लोज्ड स्पेस के अंदर हो कोई चीज़, तब हम वहाँ पे इनका यूज़ करते हैं, या तो हमें मॉर्निंग या इवनिंग इसके साथ भी हम इनका यूज़ करते हैं, कोई बिगर प्लेस के साथ भी हम इनका ही यूज़ करते हैं, और क्या बताया मैंने, ईयर या मंथ या कोई सीजन वगैरह हो, तब भी हम किसका, इनका यूज़ करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं ऐट, देखते हैं हम ऐट का यूज़ कहाँ पे करते हैं। ऐट का यूज़ करते हैं किसी स्मॉलर प्लेस के साथ, ठीक है। जैसा मैंने इनका क्या बताया था, किसी बिगर प्लेस के साथ करते हैं, जैसे कोई सिटी वगैरह का नाम हो, तब यहाँ स्मॉलर प्लेस मतलब अगर हम किसी कॉलोनी या किसी छोटे एरिया की बात करें, तब हम वहाँ पे ऐट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई
लिव एट सरोजनी नगर, जैसे मान लीजिए ये क्या है, कॉलोनी है ना, कोई सिटी का नेम नहीं है, कोई स्मॉलर प्लेस है, तो फिर वहाँ पे हम किसका एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है अगर एग्जैक्ट टाइम दिया हो आपको, ठीक है, अगर आवर्स में आपको एग्जैक्ट टाइम दिया हो तब भी हम वहाँ पे किसका एट का यूज करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई रीड दिल्ली एट 7 o'clock, ठीक है, तो यहाँ पे 7 एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, तो हम वहाँ पे इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। क्लियर है आपको एट का यूज़। देखते हैं हम ऑन का यूज़ कहाँ करते हैं। ऑन का यूज़ करते हैं हम जैसे कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के ऊपर रखी हो, है ना, लेकिन कैसे बिल्कुल टच करके रखी हो उसके सरफेस से। मान लीजिए एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल पे मान लीजिए कुछ भी रखा हो, ये बॉल रखी हुई है मान लीजिए, ठीक है, ये बॉल रखी हुई है, तो ये टेबल पे बिल्कुल टच होके रखी है इसके सरफेस से, ठीक है, तो यहाँ पे हम काय का यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, मतलब किसी से टच होके रखी हुई हो, तब हम वहाँ पे किसका ऑन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम, द बुक्स इज क्या आएगा यहाँ पे, ऑन द टेबल, जो मान लीजिए यहाँ पे बुक्स रखी हुई है, जो बुक्स है वो, ठीक है, ये बुक्स रखी हुई है काय पे, टेबल पे, बिल्कुल उसके सतह से लगी हुई रखी हुई है, तो यहाँ पे ऑन का यूज करेंगे। क्लियर है ये। नेक्स्ट अगर कोई डे हो या कोई डेट हो या हॉलीडे हो या फिर बोल सकते हैं कोई स्पेशल ओकेजन हो, ठीक है, तब भी हम काय का यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे, हॉलीडेज के साथ या स्पेशल ओकेजन्स के साथ। क्लियर है। एक एग्जांपल देखते हैं हम, ही लेफ्ट ऑन द मॉर्निंग ऑफ मे 15, ठीक है, यहाँ पे काय का यूज हो रहा है, मॉर्निंग का यूज हो रहा है, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हम इन का यूज करते हैं, लेकिन अगर मॉर्निंग इवनिंग के साथ अगर कोई डे या तो फिर कोई डेट आ जाए तब हम वहाँ पे क्या का यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे ये मॉर्निंग तो है लेकिन इसके साथ क्या है, डेट भी है, तब हम काय का यूज करेंगे, तब हम ऑन का यूज करेंगे। क्लियर है ये। अगर कोई शेड्यूल टाइम दिया हो, ठीक है, शेड्यूल टाइम के साथ भी हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने टाइम स्टैम्प के लिए काय का यूज बताया था, इन का यूज बताया था, लेकिन यहाँ पे अगर शेड्यूल टाइम दिया हो तब हम ऑन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं, द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम, ठीक है, ये शेड्यूल टाइम के लिए काय का यूज करते हैं हम, ऑन का यूज करते हैं। जैसा होता ऑन संडे मॉर्निंग, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डे भी है और मॉर्निंग भी है, तब हम काय का यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। आई होप आपको इन ऑन और एट का यूज क्लियर है, ठीक है। एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं हम लोग पहले। सबसे पहले अगर मैं इन की बात करूँ, इनका यूज करते हैं हम कोई बिगर प्लेस के लिए या तो फिर इनक्लोज्ड एरिया के अंदर कोई चीज हो तब हम वहाँ पे इनका यूज करते हैं, या फिर मॉर्निंग इवनिंग के साथ भी हम इनका यूज करते हैं। कोई ईयर या मंथ दिया हो तब भी हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। अगर एट की बात करूँ तो एट का यूज करते हैं हम कोई स्मॉलर प्लेस में, स्मॉलर प्लेस के साथ यूज करते हैं एट का, किसी स्मॉलर प्लेस के साथ, और कोई एग्जैक्ट टाइम दिया हो हमको आवर्स में तब हम एट का यूज करते हैं। देखते हैं ऑन का यूज करते हैं हम किसके साथ, अगर कोई स्पेशल ओकेजन हो, हॉलीडे हो या डेट या डे दिया हो तब हम किसका ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन मॉर्निंग इवनिंग के साथ हम इनका यूज करते हैं, लेकिन अगर उसके साथ कोई डेट या डे आ जाए तब हम वहाँ पे ऑन का यूज करते हैं। और ऑन का यूज कहाँ करते हैं, अगर स्केड्यूल टाइम हो तब भी हम किसका ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज किसी चीज पर रखी हुई है, मान लीजिए ये मेरा हैंड है, इसके ऊपर ये रखा हुआ है पेन, है ना, बिल्कुल ये टच होके रखा है इससे, तो ये अपन यहाँ पे भी किसका ऑन का यूज करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।